أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم سامعين। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आशी नाम का मतलब और इसकी मज़ीद तफसीलात क्या हैं। इस नाम की इब्तदाई तारीख हिंदी ज़ुबान से निकलती है। ये नाम इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है या इसके स्पेलिंग क्या हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मज़हब है इस्लाम, यानी इस नाम का शुमार इस्लामी नामों में किया जाता है, जबकि हिंदू मज़हब में भी इस नाम का इस्तेमाल देखा गया है। इस वीडियो में आगे चल के हम देखेंगे कि इस नाम का ज़्यादातर इस्तेमाल कौन से तीन ममालिक में होता है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। जिन्स है लड़की, यानी इस नाम का शुमार लड़कियों के नामों में किया जाता है। आगे चल के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस नाम के अफराद कैसे होते हैं या उनका हसूल ज़िंदगी क्या होता है, इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखें। ये नाम उर्दू में चार हरूफ और एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल है, जबकि इंग्लिश में भी इस नाम के हरूफ की तादाद चार है। आशी की उर्दू मानी है खूबसूरत, इनाम, उम्मीद, जबकि इंग्लिश मीनिंग है ब्यूटीफुल, रिवार्ड एंड होप। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। हिंसों के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाले रंगों में शामिल है सुरख और बनफशी, जबकि मंगल और जुमेरात के दिन को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले दिनों में शुमार किया जाता है। जबकि रूबी नामी पत्थर को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले पत्थरों में शुमार किया जाता है। जबकि हिंसों के हिसाब से इस नाम के अफराद के लिए खुशकिस्मत समझे जाने वाले दांतों में शामिल है तांबा और लोहा। आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नंबर 6 को इस नाम के अफराद के लिए हिंसों के हिसाब से खुशकिस्मत समझे जाने वाले नंबरों में शुमार किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लें। आशी नाम की तफसील है आशी फारूक, आशी अजीम। इस नाम का ज्यादातर इस्तेमाल जिन ममालिक में किया जाता है उसमें सरफरिस्त है मॉरिशस, नंबर 2 पर है इंडिया और नंबर 3 पर है सिंगापुर। इस नाम के अफराद के बारे में ये समझा जाता है कि ये हर चीज़ को गहराई की हद तक समझना चाहते हैं, जिसकी वजह से कभी भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप किसी और नाम के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका नाम क्या है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।